एक गांव की वृद्ध महिला हाड़ कपाती ठंड हो या तपती गर्मियों की दोपहर पास के जंगल से लकड़ियां बीनकर लौटती है। सिर पर स्वाभिमान का आंचल है और जिंदगी की मुश्किलों से जूझते हुए भी चेहरे पर गौरवमयी आभा है। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की माँ, माँ जगरानी देवी की, जिनके बेटे ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ये देश उसकी माँ को उचित सम्मान भी न दे सका। आज आपको चंद्रशेखर आजाद की वह कहानी हम बताने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आपको शोक होगा और शर्म से आंखें नम हो जाएंगी, अगर वो होगी तो। आजाद के शहीद होने की खबर उनकी माँ को कई महीने बाद मिली। वो पहले ही ऐसी दुखी घड़ी से गुजर रही थी। उस पर उन्हें जब ये पता चला कि उनका बेटा नहीं रहा तो वो पूरी तरह टूट गई। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के बाद उनकी मां ने अपनी जिंदगी कैसे काटी। कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल चंद्रशेखर ने अपनी फरारी के करीब 5 साल बुंदेलखंड में गुजारे थे। इसी दौरान वे ओरछा और झांसी में रहे। ओरछा में सतार नदी के किनारे एक गुफा के पास खुद की कुटिया बनाकर वे लगभग 1.5 वर्ष तक वहां रहे। फरारी के समय सदाशिव उनके सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक थे। आजाद उन्हें अपने साथ अपने गांव भी ले गए और पिता सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी से मिलवाया। यही सदाशिव आजाद के शहीद होने के बाद भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे और कई बार जेल गए। बिना खड़ग और ढाल के देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद सदाशिव जब चंद्रशेखर के माता पिता का हालचाल जानने उनके गांव पहुंचे तो वे भौचक्के रह गए। वहां उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर की शहादत के कुछ साल बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया और आजाद के भाई की मृत्यु भी उनसे पहले ही हो चुकी थी। पिता के देहांत के बाद चंद्रशेखर की माँ बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और उसके बदले ज्वार बाजरा खरीद लेती और भूख लगने पर इसी ज्वार बाजरा का घोल बनाकर पी लेती। इंस्टाग्राम और पबजी वाली पीढ़ी को बताते चलें कि उस दौर में ज्वार और बाजरा को मोटा अनाज कहकर बहुत उपेक्षित और हेय दृष्टि से देखा जाता था। जो गेहूं का वहन नहीं कर सकते थे वही इसका उपयोग करते थे। खैर, सदाशिव राव ने जब ये देखा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। एक महान राष्ट्रभक्त की माँ दिन के एक वक्त के भोजन के लिए तरस रही थी। उन्होंने गांव से कोई मदद न मिलने की वजह तलाश की तो पता चला कि चंद्रशेखर आजाद की माँ को एक डकैत की माँ कहकर गांव में उलाहना दी जाती थी और समाज ने उनका बहिष्कार सा किया हुआ था। आजाद जी की माँ की ऐसी हालत को देख सदाशिव राव ने उनसे अपने साथ चलने की गुजारिश की, लेकिन उस स्वाभिमानी माँ ने अपने ऐसे हालातों के बावजूद भी उनके साथ चलने से मना कर दिया। और तब सदाशिव आजाद जी को दिए गए अपने वचन का वास्ता देकर उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी ले आए। लेकिन उनकी खुद की हालत भी काफी खराब थी, घर भी बहुत छोटा था, तो उन्होंने आजाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आजाद की माता श्री के रहने का प्रबंध किया और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। अपनी अत्यधिक जर्जर आर्थिक स्थिति के बावजूद सदाशिव ने चंद्रशेखर को दिए अपने वचन के अनुरूप माता को अनेक तीर्थ यात्राएं भी करवाई। मार्च 1991 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया। अब यहां से प्रारंभ होता है वो खूनी अध्याय जो राक्षसी राजनीति के उस भयावह चेहरे और चरित्र को उजागर करता है जिसके रोम रोम में चंद्रशेखर आजाद सरीखे क्रांतिकारियों के प्रति केवल और केवल जहर भरा है। चंद्रशेखर आजाद की माता श्री के देहांत के बाद आजाद के मित्रों ने झांसी की जनता को साथ लेकर उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर पीठ का निर्माण किया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैर कानूनी काम घोषित कर दिया, किंतु झांसी के राष्ट्रभक्त नागरिकों ने तत्कालीन सरकार के उस शासन आदेश की महत्व न देते हुए उस पीठ के पास ही चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो को देखकर आजाद की माता श्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी थी। उधर झांसी के नागरिकों ने राष्ट्रवादी तेवरों से तिलमिलाई तत्कालीन सरकार,
अब तक अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ चुकी थी। जब सरकार को पता चला कि आजाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिवराव, रूप नारायण, भगवान दास समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो उसने उस मूर्ति स्थापना को झांसी की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि आजाद की मां की यह मूर्ति स्थापित न की जा सके। तत्कालीन सरकार के राक्षसी स्वरूप के खिलाफ आजाद के अभिन्न सहयोगी सदाशिव जी ने कमाल संभाली। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति को अपने सिर पर रखा और कर्फ्यू तोड़कर अपने घर से निकल पड़े। वो बताते हैं कि उन्होंने सोचा, यदि चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए थे, तो आज ऐसे मौके पर उनकी मां के सम्मान के लिए मैं भी अपने प्राणों को क्यों ना बलिदान कर दूं। अपने सैलान के साथ सदाशिव पीठ की तरफ चल दी। देखते ही देखते उनके साथ झांसी के राष्ट्रभक्त नागरिकों का हुजूम सा लग गया, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। झांसी की सड़कों पर अपने आदेश की बुरी तरह उड़ती धज्जियों से तिल मिलाई तत्कालीन राक्षसी सरकार ने पुलिस को सदाशिव जी को गोली मार देने का आदेश दिया। लेकिन आजाद की माता श्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव जी को जनता ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था। लेकिन सरकार ने उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे डाला। परिणाम स्वरूप झांसी को उस निहत्ती निरीह राष्ट्रभक्त जनता पर तत्कालीन नृशंस सरकार की पुलिस की बंदूकों के बारूदी अंगारे मौत बनकर बरसने लगे। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए, 3 लोगों की बाद में इलाज के दौरान मौत भी हो गई। तत्कालीन राक्षसी सरकार के इस खूनी तांडव का परिणाम यह हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी। और आते जाते अनजान नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए उनकी स्मृति में बने जो प्याऊ बनवाया गया था, उसे भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की 2-3 फीट की मूर्ति के लिए इस देश में 5 फुट जमीन देने से तत्कालीन सरकार ने इनकार कर दिया, जिस देश के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। एक और कहा, चंद्रशेखर आजाद, उनकी मां जगरानी देवी, सदाशिव, मलकापुर, मास्टर रूप नारायण, भगवान दास माहौर एवं झांसी की जनता, वहीं दूसरी ओर भावरा गांव, वहां का समाज और तत्कालीन सरकार। आज भी हमारा समाज 2 भागों में बटा दिखाई देता है, लोग 2 तरफ खड़े हुए हैं। इस कहानी से देश के सभी लोगों को, विशेषकर आज की नौजवान पीढ़ी के हर सदस्य को परिचित होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से कुटिलता और कपट के साथ सत्ताधीशों ने अपने राक्षसी कारनामों को हमसे आपसे छुपा कर रखा है। और इतने वर्षों से हमें सिर्फ ये समझाने की कोशिश की गई है कि देश की आजादी का इकलौता ठेकेदार एक परिवार विशेष ही है।